तो दोस्तों, क्या आप भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं? क्या आप भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, महीना में लाखों रुपया कमाना चाहते हैं? और क्या आप भी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 पे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसे लाखों रुपया कमाना चाहते हैं महीना में? तो इन सभी चीजों से पैसा कमाने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और जब तक कि आप एक सही अकाउंट नहीं बनाओगे, जब तक कि आप एक सही तरीका से अपने अकाउंट को क्रिएट नहीं करोगे, तब तक उस अकाउंट से आप एक रुपया भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एंजल वन में आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोलोगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एंजल वन जो स्टॉक म्यूचुअल फंड है, इस ऐप को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको जितना भी टाइम लगे वेट कर लीजिएगा। इसके बाद एंजल वन पे कैसे अकाउंट खोला जाता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और बड़ी ही आसान तरीके से हम अपना जो है ये अकाउंट को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा ऐप जो है डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब ये हमारा तो इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम इस ऐप को ओपन करेंगे और फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हमारा ये सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो भी हमें ऑप्शन आएंगे इस पर अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको ये पेज जो है खुल के आएगा। यहाँ पर एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर आप सच में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक लॉगिन और साइन अप। हम साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल जो है, आपका जो भी पर्सनल मोबाइल है, उसे आप यहाँ पे इंटर कीजिए। बस जिस भी नंबर से आप यहाँ पर अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, तो उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। और गाइस, उसके ठीक नीचे आपको एक रेफरल कोड करके एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस हमारे रेफरल कोड को आप इंटर कीजिए। इस कोड को इंटर करने का बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बात तो यह है कि आपको कुछ पैसे बोनस मिल जाएंगे और फिर आपका अकाउंट जो है बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से खुल जाएगा। तो मोबाइल नंबर और हमारे रेफरल कोड को इंटर करने के बाद आपको सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, जिसमें हमें तीन परमिशन को अलाउ करना होगा, जिसमें पहला है हमारा SMS, दूसरा है हमारा लोकेशन और तीसरा है हमारा कॉन्टैक्ट। तो इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए नीचे ग्रैंड परमिशन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद लोकेशन को हम अलाउ कर देंगे, इसके बाद कॉन्टैक्ट को भी हमें अलाउ करना होगा और फिर हमारा लास्ट बचेगा वो है हमारा SMS, तो हम इसे भी अलाउ कर देंगे। तो ये सब सेटिंग को हमें अलाउ करने के बाद हमें बस अपने OTP का आने का वेट करना है। यहाँ पर OTP आएगा और ऑटोफिल हो जाएगा। ऑटोफिल होने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, इंटर योर डिटेल्स। तो इस पेज में सिर्फ आपको अपना नेम फिल करना है। आपका जो भी ओरिजिनल नेम है, सही नेम है, उसे यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा आप अपना यहाँ पर पूरा नेम फिल कीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे आपको जो ये कोड दिया हो, मैं इस कोड को आप यहाँ पे इंटर कर देना और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज में हमें अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। तो आप यहाँ पे ऊपर वाला में भी सिलेक्ट कर सकते हैं या नीचे। तो मैं यहाँ पे नीचे वाला में क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो भी मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, मैं उसे यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो गाइस, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, सिर्फ उसे ही यहाँ पर आप फिल कीजिएगा और फिर इस ईमेल आईडी पे आपको एक OTP आएगा। तो सिंपली आपको जो है अपना ईमेल पे चले आना है और यहाँ से आपको जो OTP आया है, उस OTP को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। फिर सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, एड पैन कार्ड डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड है उसका यहाँ पर नंबर को फिल करना होगा। तो आपको अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड में देखना है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर शो हो रहे होंगे, तो उस नंबर को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो गाइस, नंबर को आप फिल करने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिएगा और फिर नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर हमें कुछ सेकंड का समय लग सकता है, तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। और गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में एंजल वन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप अकाउंट को क्रिएट सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो गाइस, ये डिजी लॉकर पे आने के बाद सिंपली हमें नीचे आना है, यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट पेज खुल के नहीं आता। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप सही तरीके से अगर इस अकाउंट को क्रिएट नहीं करोगे, तो आप एंजल वन पे कभी भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आप अपना ही आधार कार्ड का नंबर एंटर कीजिएगा या फिर आप जिसके नाम से इस अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं उसका ही आधार कार्ड को यहाँ पे एंटर कीजिएगा। तो आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस कैप्चे वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको कैप्चा को अच्छे से देख के यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा को आपको बड़ी ध्यान से यहाँ पे आपको फिल करना होगा और उससे भी ध्यान से आपको इस वीडियो को वॉच करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड पे जो भी नंबर लिंक है, उस नंबर पे आपको एक OTP आएगा। तो सिंपली इस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है 10 मिनट से पहले। OTP को भी आप बड़े ध्यान के साथ देख के फिल कीजिएगा और जैसे फिल हो जाए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें सेव और नोट सेव करके ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप सेव कर दीजिएगा। तो गाइस, फर्स्ट टाइम जैसे ही आप एंजल वन पे अकाउंट क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे डिजी लॉकर पे आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है। उस पासवर्ड को आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। मैंने अपने यहाँ पे पहले ही डिजी लॉकर सेट कर लिया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो जो भी आप यहाँ पे
डिजी लॉकर आपने रखा होगा, जो भी पासवर्ड यहाँ पे रखा होगा, उस पासवर्ड को आप सिंपली यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। तो आप भी अपना जो भी डिजी लॉकर सेट करोगे उसे यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद फिर आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट पेज खुल गया आएगा और इस न्यू पेज में हमें कुछ अब अपना डिटेल्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सीधा नीचे आना है और यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, जिसमें हमें न्यू पेज खुल के आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको हर एक स्टेप को फॉलो करते जाना है जब तक कि आपका अकाउंट सही तरीके से क्रिएट ना हो जाए। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको जो है अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। आपका जो भी पर्सनल बैंक है उसे यहाँ पर आप लिंक कर सकते। दिए गए चार ऑप्शन में से मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मैं अपना मैनुअली जो है अपना अकाउंट को यहाँ पे फिल करूंगा। आपको जिस पे कम्फर्ट लगे आप उस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो है अपना मैनुअली यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स फिल करने वाला हूँ। आप चाहो तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस तरह का आप सभी को यूज कर सकते हो। ऊपर वाले ऑप्शन पे आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर उसे आप फिल कीजिएगा और सेम टू सेम आपको नीचे वाले में ऑप्शन पे भी फिल करना है। इसके बाद फिर आपको IFC कोड यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको पता है आपका बैंक अकाउंट का IFC कोड तो यहाँ पर आप जो है फिल कर दीजिएगा, नहीं तो फिर IFC कोड आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका बैंक का कौन सा IFC कोड है तो आप अपने पासबुक से आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो गाइस मैंने अपना जो है बैंक का सारा डिटेल्स यहाँ मैंने फिल कर दिया अच्छी तरह से। आप चेक कर लेना इसे दोबारा और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। बैंक अकाउंट लिंक्ड, कुछ इस प्रकार से आपको एक मैसेज तो होगा अगर आपने सही तरीके से फिल किया होगा। तो ये सब हो जाने के बाद आपको अपना जो है एक सेल्फी यहाँ पर लेना होगा। तो आपको नीचे ओपन कैमरा इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना अपना एक अच्छा सा जो है सेल्फी और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे इंटर हो जाना है। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में हमें अपना जो है सिग्नेचर करना होगा। जो भी आपने नेम फिल किया है उस नेम से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। और अगर आपका सिग्नेचर गलत हो जाए तो डू इट अगेन पे आप क्लिक करके फिर से सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर और बैंक जो है शो हो रहा है। यहाँ पर इस तरह का कुछ डिटेल्स दिया हुआ, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो गाइस यहाँ पर लोडिंग होने में थोड़ा सा हमें यहाँ पे समय लग सकता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है और फिर कुछ इस तरह का हमें एक मैसेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी बटन को नहीं छूना है और फिर हमारा यहाँ पे नंबर पे एक OTP आएगा और सिंपली उस OTP को हमें यहाँ पे जो है फिल कर देना है। OTP जैसे आप फिल करोगे ये ऑटोमेटिक जो है डिस्कवर करने लगेगा आपके अकाउंट को, और जैसे ही आपके बैंक अकाउंट को फाइंड करेगा कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपका जो भी डिटेल्स रहेगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका बैंक का शो होगा। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लाइक एंड प्रोवाइड जो है कंसेंट। तो इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, फिर उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो गाइस मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हम हमारा नेक्स्ट पेज का वेट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा नेक्स्ट पेज आएगा एनुअल इनकम डिटेल्स, तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है सबसे कम वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इन चारों ऑप्शन में से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और हमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल सेगमेंट में सभी टिक लगा हुआ, इसे रहने देना है और फिर हम नेक्स्ट वाले जो है बटन इस पे क्लिक करके सीधा आगे बढ़ जाना है। इसके बाद न्यू ऑप्शन आएगा जिसमें से आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप को किसी भी एक टाइप को सिलेक्ट करना होगा। आप क्या करते हैं, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, यहाँ पर आप जो भी काम करते हो उस काम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पे आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख लेना दोनों में ही टिक लगा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको टिक कर लेना है। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर एडिशनल जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देना। आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो इसे आप सिलेक्ट करने के बाद मैरिड हो, अनमैरिड हो, यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप नॉमिनी का भी आप यहाँ पे डिटेल्स जो है फिल करना, तो यहाँ पे एड नॉमिनीज पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको नॉमिनी का सारे डिटेल्स को फिल करना होगा अच्छे से, इसके बाद फिर सबमिट करना है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी फिल नहीं करना चाहता हूँ तो इसीलिए प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ पर डू इट लेटर करूंगा। तो ये सब होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा इसमें हमारा जो भी हमने फिल किया है वो सारे यहाँ पे हमें फॉर्म दिखने को मिल जाएगा। तो उन सारे फॉर्म को अगर आप एक बार चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लेना, पढ़ना चाहते हो तो अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो, उसे देख सकते हो, सारे डिटेल्स को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। तो गाइस अगर इन सारे फॉर्म को अगर आप चेक करना चाहते हो अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू ई साइन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस ये सब करने के बाद अब हमें एक आखिरी काम करना है, इसके बाद फिर हमें किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म को फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस एंजल 1 KYC ऑनबोर्डिंग वाले जो फॉर्म है इस पे आपको सिर्फ आपको आधार नंबर को इंटर करना है, जो पहले आपने इंटर कर चुका है वही आधार नंबर को इस पे इंटर करना है और फिर आपको जो है सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। आधार पे जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP आया होगा, उसे आप मैन्युअली फिल कर दीजिएगा और वेरीफाई OTP पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर कुछ सेकंड का समय लगेगा और फिर हमें यहाँ पर वी हैव रिसीव योर डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का हमें एक मैसेज देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपको 3 वर्किंग डे के अंदर आपका जो है ये अकाउंट जो है ओपन कर दिया जाएगा। मतलब मान के चलिए कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले ही आपका ये अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।